दोस्तों, अब भिड़े की स्टोरी ख़त्म होने के बाद उसका स्कूटर उसे सही सलामत मिलने के बाद अब नई स्टोरी शुरू हो रही है बागा के बारे में। तो बागा को चाहिए 5 लाख रुपए किसी अननोन रीज़न के लिए, और वो जेठालाल से वो 5 लाख रुपए का लोन मांगता है। तो जेठालाल साफ मना कर देता है क्योंकि बागा उसका रीज़न उसे बताता ही नहीं है। तो अब दोस्तों, जेठालाल ने यहाँ पर साफ साफ बागा को मना कर दिया है कि वो नहीं देगा 5 लाख रुपए, क्योंकि बागा की भी यहाँ गलती है कि बागा उसको रीज़न नहीं बता रहा। तो जेठालाल क्यों देगा बिना किसी रीज़न के? जेठालाल भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद बागा कहता है कि मुझे किसी भी हालत में आज के आज 5 लाख रुपए का जुगाड़ करना है। तो जेठालाल कहता है, तो क्या तू इसके लिए डाका डालेगा? तो बागा इशारा दे देता है कि वो हाँ, डाका भी डाल लेगा। तो गाइस, इसके बाद होगा क्या कि जेठालाल किसी काम से जाएगा दुकान से बाहर, और जब वो शाम को दुकान पर लौटेगा तो देखता क्या है कि उसकी दुकान का ताला लगा हुआ है और बागा का कहीं भी अता पता नहीं है। तो जेठालाल आसपास से पूछेगा और आसपास वाले बताएंगे कि बागा तो एक टेम्पू लेकर जा रहा था। तो यहाँ से साफ साफ जेठालाल को पता चल जाएगा कि बागा ने ही उसकी दुकान का सारा माल गायब कर दिया है। तो इसके बाद अब जेठालाल का शक सीधे सीधे बागा पर जाएगा। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब क्या करेगा जेठालाल, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बागा ही वो सारा माल लेकर गया दुकान से, क्योंकि उसको 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो दोस्तों, 60% चांसेस है कि वो सारा माल बागा ने गायब किया है, क्योंकि उसको कोई बहुत ही ज़रूरी काम होगा तो वो सोचेगा कि अभी मैं सारा माल ले जाता हूँ और किसी ना किसी तरह से पैसों का जुगाड़ कर लेता हूँ, और बाद में जेठालाल को सारी सच्चाई बता दूंगा और माफ़ी मांग लूंगा। और या फिर हो सकता है कि जेठालाल का शक बागा पर जाए लेकिन उसका माल और कोई चुरा के ले गया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों चांसेस हैं, लेकिन हाँ, 60% चांसेस यही है कि बागा ही वो सारा सामान लेके गया होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब क्या करेगा जेठालाल, और क्या वो सामान सच में बागा लेकर गया है या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पा सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।